हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं एमजे। प्रूनिंग का आज आठवां दिन है, यानी कि प्रूनिंग हमने 8 दिन पहले कंप्लीट कर ली थी। 8 दिन के बाद का ये रिजल्ट आप देख रहे हो। 8 दिन में प्लांट के ऊपर नए नए पत्ते निकलना शुरू हो चुके हैं। अब एक क्वेरी फ्रेंड्स मुझे आई है, वो क्वेरी ये है कि हमने प्रूनिंग तो कर ली, प्रूनिंग करने के बाद जैसे ही हमने हमारे प्लांट के ऊपर नए पत्ते निकल रहे हैं, वो कर्ल हो रहे हैं। अब यहाँ पे आप बोलोगे यहाँ कर्ल होंगे क्योंकि आपके प्लांट के ऊपर थ्रिप्स लगा है, लेकिन 100% यही रीज़न नहीं होता। दूसरे रीजन्स भी होते हैं जो आपको नोटिस करने हैं। जैसे कि फ्रेंड्स, अगर आप इंसेक्टिसाइड का स्प्रे कर भी लेते हो, अगर आप 3 दिन 4 दिन में एक बार इंसेक्टिसाइड का स्प्रे कर भी लेते हो, फिर भी आपके प्लांट के लीव्स कर्ल हो सकते हैं। अब वो कर्ल क्यों हो सकते हैं? देखिए, सबसे पहली रीज़न तो ये है कि अगर आप इंसेक्टिसाइड जो स्प्रे कर रहे हो वो अच्छी कंपनी का नहीं है या तो असरदार नहीं है, तो बाद में आपके जो प्लांट के पत्ते हैं वो अच्छे नहीं निकलेंगे, वो कर्ल होके निकलेंगे। उसकी थ्रिप्स का कोई भी असर वो पर्टिकुलर पेस्ट पे नहीं होगा। तो इंसेक्टिसाइड आप अच्छी कंपनी का लीजिए, ब्रांडेड लीजिए। कॉन्फिडर बहुत अच्छी कंपनी है, बेयर कंपनी का इंसेक्टिसाइड है, वो आप ले सकते हो। अब दूसरे रीज़न की मैं बात करता हूँ। दूसरा रीज़न ये है, वो है वाटरिंग। जी हाँ फ्रेंड्स, वाटरिंग अगर आपने ठीक से नहीं की है, वाटर मैनेजमेंट अगर आपका बराबर नहीं है, तो बाद में आपके प्लांट के जो पत्ते निकलेंगे वो सही नहीं निकलेंगे। छोटे पत्ते निकल सकते हैं, कर्ल होके निकल सकते हैं। ठीक से आपके प्लांट के ऊपर पत्ते का साइज़, जो पत्ते की क्वालिटी है, वो नहीं आ पाएगी। वाटरिंग मैनेजमेंट का मतलब यहाँ पर कैसे है, देखिए, जैसे ही अगर आप बहुत ज़्यादा पानी देते हो, ओवर मॉइस्ट हमेशा रखते हो, अगर आप अपने मीडिया को ओवर मॉइस्ट रखते हो, तो बाद में ऐसे कंडीशन में आपके प्लांट के पत्ते कर्ल होंगे, वो ठीक से ग्रो नहीं होंगे। पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि आपका प्लांट डाईबैक भी हो सके। तो ये जो चीज़ है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जब भी आप प्रूनिंग करते हो। प्रूनिंग के बाद ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप किस हिसाब से पानी दे रहे हो। देखिए, अगर आप बहुत कम पानी दोगे तो बाद में आपके जो प्लांट के पत्ते हैं वो निकलेंगे भी नहीं, ठीक से प्लांट की ग्रोथ भी नहीं होगी। और अगर आप बहुत ज़्यादा पानी देते हो तो बाद में आपके जो प्लांट के पत्ते हैं वो कर्ल हो सकते हैं, आपका प्लांट डाईबैग में भी जा सकता है। तो ये दोनों के बीच में आपको वाटरिंग करनी है। अब मैं आपको सिंपल तरीका एक दिखा देता हूँ किस हिसाब से हमें पानी देना है। अब सपोज़ फ्रेंड्स आपका जो प्लांट सिंडर में लगा हुआ है, नो इश्यू। सिंडर एक बहुत अच्छा वेल ड्रेन्ड मीडिया है। सुबह अच्छी तरह उसको पानी दे दीजिए। सुबह के वक्त सिंडर ड्राई होता है, तब हमें सिंडर के अंदर अच्छी तरह वाटरिंग कर लेनी है। बाद में दोपहर के वक्त या तो शाम के वक्त आप आइए, चेक करिए, आपको लगता है कि सिंडर के आपके जो पॉट है, ये जो पॉट वाला नीचे का हिस्सा दिख रहे हो, अगर यहाँ पे गीला गीला अगर आपको दिख रहा है, या तो यहाँ पे थोड़ा सा गीला गीला दिख रहा है, तो बाद में पानी मत दीजिए, क्योंकि प्लांट के पास मॉइस्चर अवेलेबल है। ये एक इंडिकेशन है जो अभी मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन जैसे कि आपको लगता है कि आपका जो पॉट है वो नीचे से ड्राई है, कुछ ये हिसाब से आपका पॉट यहाँ से नीचे से ड्राई है, तो बाद में ऐसी कंडीशन में आप अपने पौधों के, ये सिंडर वाले प्लांट के अंदर पानी दे दीजिए। ये एक पहली निशानी है जो आपको ध्यान रखनी है वाटरिंग करने के टाइम, अगर आप अपने प्लांट के ऊपर प्रूनिंग करते हो उसके बाद, ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है हमारे मिट्टी के वाले पौधे। मिट्टी वाले और कोकोपीट वाले पौधे में तो बहुत सिंपल है मॉइस्चर को चेक करना। अगर ऊपर की सरफेस मॉइस्ट हो तो बाद में पानी मत दीजिए। जैसे कि देख रहे हो, ये मॉइस्ट है, ये चिपचिपी है, गीला गीला ऊपर लग रहा है, तो उसको अभी पानी देने की ज़रूरत नहीं है। सुबह भी आप चेक करिए, सुबह अगर आपको लगता है कि मॉइस्चर है, तो बाद में आप हल्का सा पानी दे दीजिए, थोड़ा सा पानी दे दीजिए, बाद में फिर से आप शाम को 4 बजे 5 बजे आइए, चेक करिए, ड्राई हो चुकी है तो फिर से अच्छी तरह पानी दे दीजिए। तो ये चीज़ आपको देखनी है। अब बाद में आएगा हमारा कोकोपीट वाला मीडियम। कोकोपीट वाला मीडिया में भी सेम है, वैसे तो वाटरिंग सबसे कम कोकोपीट वाले मीडिया में जाएगी। सुबह एक बार पानी दे दीजिए, पूरे दिन पानी देने की ज़रूरत नहीं है कोकोपीट वाले मीडिया में। और सुबह के वक्त आप एक बार अच्छी तरह वाटरिंग कर लीजिए। तो ये हिसाब से वाटर मैनेजमेंट आपका ठीक रहेगा, तो बाद में आपके जो प्लांट के पत्ते हैं वो कर्ल नहीं होंगे, प्लांट के पत्ते की क्वालिटी अच्छी रहेगी, प्लांट के पत्ते हेल्दी निकलेंगे। तो ये एक इश्यू है जो आपको कंसीडर करना होगा प्रूनिंग के बाद। और जैसे कि हमारे जितने भी जो रोजेस को हमने प्रून किया है, बहुत अच्छा रिज़ल्ट दे रहे हैं। 8 दिन के बाद भी बहुत अच्छा अभी रिज़ल्ट मुझे मिल रहा है, बहुत जल्दी ग्रोथ हो रही है, तो ये वन ऑफ द बहुत अच्छी निशानी है मेरे लिए।
तो अगर आपको किसी भी टाइप का कन्फ्यूजन हुआ ये टॉपिक से रिलेटेड, तो आप प्लीज़ मुझे टेलीग्राम ग्रुप में टैग करके कमेंट करिए। टिल देन के लिए थैंक यू फ्रेंड्स और हैप्पी गार्डनिंग।